स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ मेरठ से, और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जो किसानों के साथ में मिलजुल कर और उनको समझाना और मोटिवेट करने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत ही लगन से और मेहनत के साथ में कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सर, आपका पूरा नाम क्या है और आपका जन्म स्थान कहाँ है और आप अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? आप सबसे पहले, मैं जो है आपके स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ का, और आप मेरठ से चलकर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से आज हमारा इंटरव्यू लेने आप आए हैं। तो आपके चैनल का बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम जो है इमरान सैफी है और मैं ग्राम अतराड़ा ब्लॉक खरकागवा जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। जी सर। और इमरान सर, जैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट करने का माध्यम क्या है? मतलब YouTube से करते हो या किस तरह से लोगों के साथ जनसंपर्क करके करते हो, किस तरह से उनको समझाते हो? सर, मैं आपको बताऊं तो बचपन से मेरी एक हैबिट है कि ऊपर वाले ने मुझे एक गॉड गिफ्ट दिया है कि जब अपने आसपास के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, तो सबसे पहले जो अन्याय होता है या बच्चों, बचपन से मैं देखता था कि जो बच्चे होते थे उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो किसी समस्या को लेके, अगर मैं क्लास में जो पढ़ता था 6ठी 7वीं क्लास में, 10वीं तक, आगे मैंने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, BSc एग्रीकल्चर से मैंने फाइनल की, उसके बाद में अपना डिप्लोमा किया हार्डवेयर इंजीनियर का। उसके साथ साथ मैंने जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो क्लास के अंदर मुझे टीचर मोटिवेट करने के लिए खड़ा करते थे। उसी चीज़ को लेकर मेरे अंदर एक उत्पन्न पैदा हुई कि क्यों ना हम लोगों को, जो लोग दुखी हैं, जो किसान हैं, जो किसान लोग हैं या कोई बच्चे हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी उनको मैं लोगों को समझाता था, उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन करता था। तो जब मेरे मन में आया कि ऐसा कोई साधन हमें मिल जाए, अब तो हम अपने क्षेत्र में रहकर, अपने एरिया में रहकर, जो हमारे आसपास रहते हैं उन लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं, उन लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा साधन की मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं ये सोचने लगा कि मुझे एक ऐसा कोई साधन मिल जाए जिससे मैं पूरे भारत के, अपने जो भारत के नागरिक है, और मैं भी इस किसान का बेटा हूँ और इस माटी से प्यार करता हूँ, अपनी हिंदुस्तान की माटी से बहुत प्यार करता हूँ, और इस हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब मेरे भाई हैं, और हर कैटेगरी के लोगों की मैं हर समय मदद करने के लिए तैयार रहता था। तो एक ऐसा प्लेटफार्म मुझे चाहिए था जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं, एक इंसान की नहीं, दो की नहीं, 10 की नहीं, मतलब लाखों करोड़ों लोगों की, अपने देश के लोगों की समस्याओं को सुलझा सकूँ, उनका साथ दे सकूँ, उनके कंधे से कंधे चला सकूँ। इसलिए मैंने जो है ये अपना चैनल मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से चैनल उत्पन्न किया, बनाया, और आज मैं इसी के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करता हूँ। जो समस्या होती है, जो भी प्रदेश में या देश में जो भी कुछ होता है, उसके बारे में मैं लोगों को समझाता हूँ। तो इमरान साहब, अभी जैसे आप ये मोटिवेशनल का काम कर रहे हैं, तो आपने अपना कैरियर जो सेलेक्ट किया है वो मोटिवेशन लाइन में किया है या इसके अलावा और आप कुछ और भी करना चाहते हैं आगे? सर, मैं आपको बताऊं, मेरा जो ड्रीम है, देखो मैं ये मान के चलता हूँ, एक हमारे गुरु थे, वो हमें एक चीज़ बता दें कि जीवन में इंसान को अगर धरती पे उसका जन्म हुआ है, तो धरती पे जब जन्म होता है तो कुछ लोग जो है इस धरती पे आके अपने लिए जीते हैं, लेकिन मज़ा उसमें है कि हम औरों के लिए जिए, बहुत बढ़िया, औरों के लिए जिए, औरों के लिए हेल्प करें, सहयोग करें। समय समय पर अगर इंसान को प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोगों को हम जो है समय समय पर हेल्प करते रहे। और रही चैनल की बात, तो चैनल को मैंने आपको बताया है कि एक मुझे कोई ना कोई ऐसी वो चाहिए थी कि जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं और बता सकूं कि लोगों को अपने माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं। तो इमरान साहब, जैसे आप ये यूट्यूब चैनल बनाते हो, लोगों को मोटिवेशन करते हो, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? मैं बता दूँ आपको, भाई देखो, यूट्यूब पे मैं आया हूँ तो यूट्यूब पर बहुत ही संघर्षशील जीवन होता है यूट्यूब पे आना,
प्लस लोगों की सुननी पड़ती है। अगर 100% है, 100 में से 90% आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, 10% ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको टांग पकड़ के खींचते हैं। तो YouTube पे बड़ा संघर्ष हुआ। और दूसरी बात जो है, YouTube पे जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरी जो जब भी मैं टूटता हूँ और मुझे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले जो मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी का नाम जो है नफीस सेफी है, और एक हमारे टीचर हैं नौसाद अली हापुर से, वो है मेरे, जब मैंने हाई स्कूल की थी जब ही से उन्होंने मुझे कंप्यूटर के अंदर भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, पब्लिक में जाना, किसानों के पास जाना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कंटिन्यू मुझे सिखाते रहे नौसाद अली। और जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा मुझे क्रिएट, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती तो मैं अपने फादर से कन्विंस करता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनसे मोटिवेट होता हूँ अपने फादर से कि मैं आगे किस तरह बढ़ पाऊँ। जो मेरा ड्रीम है, ड्रीम क्या है मेरा, कि मैं चाहता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल, देखो यूट्यूब चैनल पे जब हम अच्छे फॉलोअर्स हमारे हो जाएंगे, समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जीवन का ये ड्रीम बनाया कि जब तक मेरा जीवन है कि मैं जो लोग गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए स्कूल वगैरह बनवाऊँ जिसे फ्री पढ़े, हॉस्पिटल बनवाऊँ, जिनके पास आवास नहीं, घर नहीं है, उनके लिए घर दूँ, मतलब आर्थिक चीज़ें जो लोगों को चाहिए, जो लोग पढ़ना पैसा नहीं है उनके पास। इसलिए मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब एक अर्निंग देता है। तो जो मेरी अर्निंग स्रोत बनेगा वो अर्निंग मैं अपने जो सदस्य हैं, हमारे जो प्रॉब्लम रहते हैं, जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, मैं अपने यूट्यूब अर्निंग के द्वारा जो है लोगों की हेल्प करूँगा। और मैं अपने पिताजी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और जो मेरे टीचर हैं नौसाद अली, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने समय समय पर मुझे मोटिवेट किया है और आगे बढ़ने की कल्पना देते हैं और समय समय पर मुझे बताते हैं कि जीवन एक जो लाइफ है हमारी, वो लाइफ किस तरह जीनी चाहिए और लोगों की हेल्प किस तरह करनी चाहिए, वो मुझे समय समय पर बताते रहते हैं। तो इमरान साहब, अभी जैसे हमने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है, तो अभी कितने दिन हो गए हैं हमें अपना मोटिवेशनल चैनल? सर, मुझे मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी बनाया था मैंने, तीन साल कंटिन्यू मुझे काम करते हुए हो गए हैं, और अभी तक हम सीख ही रहे हैं। ओके, अभी हमें सीखने का ही समय मिल रहा है क्योंकि जो लोग हैं जिनको हम मोटिवेट करते हैं, लोगों से हम समझते हैं, लोग हमको सिखाते हैं कि हमें जो हमें कमी है उसको इंसान जो दूसरे लोग हैं वो हमको निखार दें। तो 3 साल से मेरा कंटिन्यू है और मेरा टारगेट भी यही है कि मेरा ड्रीम भी यही है कि मैं जब तक मेरे शरीर के अंदर जान है, जब तक मेरे पास आत्मा है, मैं अपने YouTube के माध्यम से ही लोगों को, पूरे भारत के लोगों को मैं अपना मोटिवेट करता रहूँगा, लोगों को समय समय पर जानकारी देता रहूँगा जिससे लोग प्रभावित हो, लोग मोटिवेट हो, जिससे आगे चल के वो अच्छे कामों पर लग जाए। तो इमरान साहब, अभी जैसे हम साथ में बैठे हैं स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में, तो आप स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लोगों को अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं स्पीड न्यूज़ और इरशाद अली साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, और जो स्पीड न्यूज़ चैनल मेरठ के रहने वाले हैं, और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि जो हमारे पत्रकार होते हैं, जो पत्रकार होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने देश को सुधारने के लिए, बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि वो रात दिन तत्पर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की सहायता करते हैं, समय समय पर आप लोगों की जो समस्या है, किसान भाइयों की समस्या है, अदर पूरे देश की समस्या है, किसी भी बात को लेकर वो आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाते हैं। जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सभी पत्रकारों का, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो हमारी पत्रकारों की होती है, क्योंकि वो रात दिन अपना घर छोड़कर बाजारों में, रोड पर आप लोगों के बीच में भूखे प्यासे समय समय पर आप लोगों के बीच में रहते हैं और आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार आपकी बातों को फिर मानती है। तो सबसे बड़ा भूमिका जो होती है वो आपका चैनल होता है, चाहे कोई सा भी अदर चैनल हो या आपका स्पीड ब्रेकिंग न्यूज चैनल हो, सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की होती है। तो इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना एक कीमती वक्त